आज का जो हमारा टॉपिक डेट इज़ प्यूबर्टी इन फीमेल में क्या क्या चेंजेस होती है बॉडी में, साइकोलॉजिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस क्या क्या होती है, कौन कौन सा हॉर्मोन्स जो है इससे रिलेटेड है प्यूबर्टी में, तो वो सब जो है वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब क्या है, प्यूबर्टी क्या होता है, सबसे पहले वो हम पता लगाते हैं। प्यूबर्टी इज़ द एज एट विच द इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिच मेच्योरिटी। This is called the menarche and marks the beginning of the childbearing period. Puberty मतलब क्या है, प्यूबर्टी एक ऐसा एज है, प्यूबर्टी एक ऐसा एज में आता है, तब जब ऐसे एज में आता है, कब आता है, जब इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो मच्योर हो जाता है। जितने भी इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ये सारे है, ये जो सर्विक्स हो गया, यूट्रस हो गया, फेलोपियन ट्यूब्स हो गया, ओवरीज हो गया, तो ये सारा जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है जब ये मच्योर हो जाता है तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। और जब प्यूबर्टी होता है तब क्या होता है, जब भी वुमेन में, फीमेल्स में जब भी प्यूबर्टी होती है, एट दैट टाइम चाइल्ड बेयरिंग टाइम होता है, मतलब अगर प्यूबर्टी अगर हो गया दैट मीन्स जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो सकती है, वो एक चाइल्ड जो है वो बेयर कर सकती है। और इसमें क्या होता है, वो कब कर हमें कैसे पता लग जाता है कि प्यूबर्टी हो गया है, तब क्या होता है, मेनार्की जो होती है वो स्टार्ट हो जाता है। मेनार्की मतलब कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है वहाँ पे उसका स्टार्ट होना, दैट इज नोन एज मेनार्की। आप लोगों ने प्लस वन प्लस टू में किया पढ़ा होगा मेनार्की के बारे में। मेनार्की का मतलब है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है जब वो शुरू होता है, दैट इज नोन एज मेनार्की। तो जब प्यूबर्टी होती है तब क्या होता है, जब प्यूबर्टी में जितने भी इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो सारा क्या होता है, मच्योर हो जाता है। मच्योर होने की वजह से क्या होता है, ओवरी जो है वो जब ओवम जो है जब रिलीज़ कर देता है, रिलीज़ करने के बाद क्या होता है, जब वहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होने के वजह से क्या होता है, वो सारा जो एंडोमेट्रियम जो है वो सारा क्या करता है, धीरे धीरे शेड होने लग जाता है। शेड कैसा होता है, उसके बाद उसको हम क्या कहते हैं, मेनार्की। मेनार्की मतलब जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ फीमेल, जब पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू हो जाती है, देयर इज नोन एज मेनार्की। और जब लास्ट में जब ख़त्म हो जाता है, लास्ट में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है जब बंद हो जाता है, इट इज़ नोन एज मेनोपॉज। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है, देयर इज नोन एज मेनार्की, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बंद हो जाता है, देयर इज नोन एज मेनोपॉज। ओके, दिस ऑल अबाउट द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी कब होता है, प्यूबर्टी जब होता है तब क्या होता है, उसके बाद है द एज ऑफ प्यूबर्टी वेरीज बिटवीन 10 एंड 14 ईयर्स एंड नंबर ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस एट दिस टाइम। प्यूबर्टी कब होता है, प्यूबर्टी ऐसा नहीं कि पैदा होते ही होता है, प्यूबर्टी होने में 10 साल से लेके 14 ईयर्स के जो उम्र के बच्चे होते हैं, जो फीमेल्स होते हैं, तो उनमें ये इस टाइम पीरियड में प्यूबर्टी जो है वो होती है। कभी कभी ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो 14 ईयर्स के बाद वाले जो बच्चे होते हैं उसमें भी ये जो है वो होती है। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि 14 ईयर्स तक ही होना चाहिए, नहीं हुआ तो अफोर्ड। कभी कभी क्या होता है, कुछ फीमेल्स ऐसे होते हैं जो 17-18 ईयर्स के जब होते हैं तब भी जाके उनका प्यूबर्टी जो है उनका तब शुरू होती है। तो अगर ज़्यादा एक्सीड कर जाता है टाइम, नॉर्मल इज 10-14 ईयर्स, लेकिन 14 ईयर्स के बाद भी 2-3 साल जो है इट्स नॉर्मल, लेकिन उससे ज़्यादा अगर एक्सीड कर जाता है तो फिर क्या है, वी शुड कंसल्ट द गायनिक। तो सो प्यूबर्टी जो है वो क्या होता है, 10 से 14 साल की उम्र में ये शुरू होता है, और उसके बाद इसे बहुत सारे फिज़िकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस जो है फीमेल के जो बॉडी में, फिज़िकल चेंजेस एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस आती है बहुत सारे। तो फिज़िकल चेंजेस में कौन कौन से चेंजेस आती है वो सबसे पहले हम देखते हैं। द यूट्रस, द फेलोपियन ट्यूब एंड द ओवरीज रिच मेच्योरिटी। प्यूबर्टी जब होती है तो ये जो यूट्रस हो गया, ये जो फेलोपियन ट्यूब हो गया, और ये जो ओवरीज हो गया, ये सब कुछ क्या होता है, मेच्योर होने लग जाते हैं, मेच्योर हो जाती है। तो ओवरी से क्या रिलीज होता है, ओवरी से ओवम रिलीज होता है। यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस में अगर ओवरी से जो ओवम निकला है, अगर वो जो है अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यूट्रस में जाके वो इम्प्लांट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो यूट्रस में क्या होती है, जो एंडोमेट्रियम जो लेयर हो जाता है वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होने की वजह से वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू जो है वो शेड होने लग जाता है। तो फेलोपियन ट्यूब जो है, तो ये सारे जो है ये मैच्योर होने लग जाते हैं। मैच्योर किस चीज़ के लिए, फॉर फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। उसके बाद दूसरा चेंज क्या होता है, द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन बिगिन। ऑब्वियसली जब प्यूबर्टी हो जाती है तब क्या होता है, जब ओवरीज, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब जो अब ये मैच्योर हो गया मतलब उसको अपना काम करना शुरू करना है, तो क्या होगा, ओवरीज से ऑब्वियसली ओवम निकलेगी। जब ओवम निकलती है तो वो सारे जो होते हैं उसको हम ओवुलेशन बोलते हैं। ओवुलेशन हो जाती है, ओवुलेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, दैट मीन्स वहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा।
उसके बाद है प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर बिगिंस टू ग्रो। प्यूबिक हेयर मतलब कि ये जो जेनिटल एरियाज जो है वहाँ पे हेयर ग्रो होना शुरू हो जाता है। और एक्सिलरी हेयर मतलब कि आर्मपिट्स जो है वहाँ पे हेयर जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है जब प्यूबर्टी हिट करती है। उसके बाद इंक्रीज इन हाइट एंड वाइडिंग ऑफ पेल्विस। तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल्स होती है उसमें क्या होता है, जैसे प्यूबर्टी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये जो पेल्विक एरिया जो है, जो हिप वाला जो एरिया है, वो थोड़ा सा ब्रॉड होने लग जाता है। उनका हाइट जो है वो भी थोड़ा सा बढ़ने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। उसके बाद इंक्रीज फैट डिपॉजिटेड इन द सबक्यूटेनियस टिश्यूज एस्पेशली एट द हिप्स एंड द ब्रेस्ट। इसमें क्या होता है, प्यूबर्टी जब हिट होता है तब, प्यूबर्टी जब शुरू हो जाता है तब सबसे ज़्यादा क्या होता है, फैट्स जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। फैट्स डिपॉजिट कहाँ पर होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज जो है वहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, एस्पेशली हिप वाला जो एरिया होता है वहाँ पर, और ब्रेस्ट एरिया जो है वहाँ पर फैट्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो है वो प्यूबर्टी के बारे में है। आगे हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स में कौन कौन से हार्मोन्स जो है कहाँ कहाँ से रिलीज होती है, कैसे कैसे सिग्नल मिलती है और उनका काम क्या क्या है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स में सबसे पहले है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है जितने भी ये जो हार्मोन्स होती है जो बॉडी में रेगुलेट होती है, तो ये सब कौन हैंडल करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से सिग्नल आती है LHRH। LHRH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस से सिग्नल देता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये जो है रिलीजिंग हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी को एक सिग्नल भेजते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ये सिग्नल भेजता है तुम दो हार्मोन्स बनाने के लिए। वो दो हार्मोन्स कौन से है, FSH और LH। FSH का फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा LH का मतलब क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस ने LH, ये जो LHRH है इसको सिग्नल दिया कि एंटीरियर पिट्यूटरी को ये सिग्नल दो ताकि वहाँ से दो ये जो होती है हार्मोन्स जो वहाँ से रिलीज हो। तो दो हार्मोन्स जो है वो कौन सा है, एक FSH है और एक LH है। तो ये FSH जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वहाँ से क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल को क्या होता है, एक सिग्नल मिलता है। ओवेरियन फॉलिकल में ये सिग्नल मिलता है ताकि एस्ट्रोजन जो है वो प्रोडक्शन हो। एस्ट्रोजन जो है वहाँ पे कहाँ से प्रोडक्शन होती है, ओवरी से प्रोडक्शन होती है। तो ये जो FSH जो है एंटीरियर पिट्यूटरी, इसको सिग्नल दे, इसने इसको सिग्नल दे, और इसने क्या बनाया, एस्ट्रोजन बनाया। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, तो वो इसने किसको सिग्नल दिया, कॉर्पस ल्यूटियम को। कॉर्पस ल्यूटियम को इसने सिग्नल दिया, और कॉर्पस ल्यूटियम ने किसको सिग्नल दिया, प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरोन जो है वो बनती है। तो एस्ट्रोजन जो है वो कब हेल्प होता है, एस्ट्रोजन तब हेल्प होती है, ये जो है जितने भी फीमेल की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे ये हो गया कि ब्रेस्ट का ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट हो गया, तो ये सब डेवलपमेंट में किसका रोल बहुत ज़्यादा जरूरी, मच्योर होने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए, ग्रोथ होने के लिए एस्ट्रोजन की ज़रूरत है। प्रोजेस्टेरोन की कब ज़रूरत होती है, जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे, तब प्रोजेस्टेरोन की ज़रूरत होती है। अनटिल एनएस द फीमेल इज फीमेल जो है वो जब तक प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो प्रोजेस्टेरोन का वहाँ पे इतना रोल्स नहीं होती है, होती है बट इतना नहीं होता है। लेकिन जब प्रेग्नेंट हो जाता है तब फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है इसका बहुत बड़ा रोल होता है हार्मोन रिलीजिंग में। तो ये जो जितना भी है, इट इज़ अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। तो इसमें क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है, इसमें क्या होता है, ये जो ओवरी होती है, लेट्स अज्यूम दिस इज़ द ओवरी। तो साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो ये जो ग्राफिन मैंने आपको उस दिन बताया, ग्राफिन फॉलिकल्स जो होती है यहाँ पे, तो यह धीरे धीरे क्या होता है, ये मच्योर होने लग जाता है। मच्योर कैसे होता है, सपोज़ हम लेते हैं पहले इतना था, फिर यहाँ पे ऐसे, तो ये धीरे धीरे मच्योर होने लग जाते हैं। मच्योर होते होते इसके अंदर क्या होता है, ओवम होता है, ये जो एग होता है वो होता है, ओवा जो है वहाँ पे होता है। फिर धीरे धीरे इतना मैच्योर हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है यहाँ पे रप्चर हो जाता है। रप्चर हो जाने के बाद क्या होता है, ये जो अंदर ये जो एग है तो यहाँ से रिलीज़ हो जाती है, तो एग जो है वो रिलीज़ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, ग्राफिन फॉलिकल जो है यहाँ पे फिर से वो एक साइकिल के लिए स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ऑलरेडी बना होता है।
तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या होगा, जब यहाँ पे फिर से साइकिल बनती जाएगी तब क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है फिर ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर क्या होता है, यहाँ पे ये डीजेनरेट होने लग जाती है। डीजेनरेट होने के बाद फिर से वही साइकिल बन के आती रहती है, आती है ग्राफियन फॉलिकल, फिर से रप्चर हो जाता है। रप्चर होने की वजह से यहाँ से एग जो निकल जाती है, निकलने के बाद फिर अगर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर क्या होगा, ये डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो है आपको, आई थिंक आपको आज का जो क्लास जो आपको समझ में आ गया हो, थैंक यू क्लास।